हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर पीएसटी न्यूज पर। आज की जो वीडियो में बात करेंगे हम उत्तराखंड वेदर, आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की बात कही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है तो कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं IMD ने क्या दी है जानकारी। देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बारिश का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है तो वहीं कहीं पुल टूट रहे हैं, इससे यातायात पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 3 जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के दौरान तेज आंधी तूफान भी लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरगढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को 15 अगस्त तक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।